जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे रिश्ते मर्यादा सब खत्म होती जाती है। कुछ ऐसी घटना सामने आती है जिससे मुझे आप लोगों तक पहुंचाना मजबूरी है, जिससे आप लोग जागरूक रहो और क्राइम से बचो, क्योंकि आपको एक ऐसी घटना की आपको उसको सुनकर आपके हो सकता है आपका कलेजा कांप उठे, क्योंकि एक पति को अपनी पत्नी से प्यार करना महंगा पड़ गया है, क्योंकि इसलिए उस पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी कि वो संबंध बनाता था। ले चलते हैं आप पूरा मामला जानते हैं कहाँ कहाँ है और किस समय का है। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करो, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घटना है कोलकाता के न्यू टाउन की। वहाँ का रहने वाला रजत, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी और उसकी शादी 3 साल पहले एक शालिनी नाम की युवती जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, अच्छे से रह रही थी, जिंदगी चैन से कट रही थी। आपको बताते चलें कि सही से परिवार रह रहा था, दोनों में कभी लड़ाई भी नहीं होती थी, आराम से रह रहे थे। आखिर में अभी कुछ दिन पहले, आपको 2-3 दिन पहले की यह घटना है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं गूगल में और दोस्तों आपको ताज़ा अपडेट ऐसे ही मिलती रहेंगी। बताते चलें कि पति जो रजत था उसकी छुट्टी थी, पैसे से वो एडवोकेट वकील था, वो अपनी पत्नी से आए दिन संबंध बनाता था और उसके संबंध बनाते टाइम पे पत्नी के इतना दर्द होता था कि वो तड़प उठती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, मगर पति मानता नहीं था, ऐसे ही चलता रहता। उसने अपने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा, एक बीमारी बताई थी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक ऐसी बीमारी है जिससे उसको दर्द होता ही रहता था, मगर उसका पति रजत नहीं मानता था, फिर भी वो उसे जिद करने लगा। जब उसकी छुट्टी थी उसने शालिनी से कहा, मैं संबंध बनाऊंगा, मगर शालिनी जैसे ही रजत को नींद आ गई, शालिनी ने चाकू से बार बार इतना मारा उसके सिर पर, बार बार चाकू से उसके गला ही गोड़ दिया और वो बेचारे की उसकी मेहनत हो गई रजत की। और कुछ ही क्षण में जो उसकी पत्नी थी वो अपना तिरिया चरित्र दिखाने लगी। उसने पुलिस को फ़ोन किया कि मैं रजत की वाइफ बोल रही हूँ, मैं मार्केट गई थी, उसी समय कोई मेरे घर पे आया और लूटपाट के इरादे से उसने मेरे पति को मार दिया और सारा जेवर माल और रुपए ले गया था। जैसे ही पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए मामले की जाँच की और सारे मोहल्ले के और कारवानी के सीसी कैमरे तलाशना शुरू कर दिए, मगर सीसी कैमरे में ना कोई कॉलोनी में आता दिखा, नज्जा आता दिखा और फिर भी संवारा, क्योंकि शालिनी भी उसी समय मार्केट में भी नहीं गई थी, वो घर पे ही थी, किसी भी कैमरे में आते जाते नहीं दिखी थी। फिर क्या हुआ, पुलिस ने सख्ती से शालिनी से पूछताछ की, पूरा मामला बता क्या बात है, तभी उसने पूरा मामला कबूल कर दिया है, कहा कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होता था मगर वो संबंध बनाना मानता ही नहीं था, डॉक्टर ने भी कहा था कि ये बीमारी है, फिर भी मुझने ठान ली कि मैं अपने पति को मार डालूंगी, मैंने वो ही किया। ऐसी इरादों पर वारदातों पर आप शालिनी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी कमेंट राय मुझे ज़रूर दें। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, जहां भी रहो सतर्क रहो, क्राइम से बचो। शालिनी अपनी मसला आपस में अपनी सलाह ले सकती थी, अपने आपस में बात करके इसको हल कर सकती थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे डीके वारानी चैनल को सब्सक्राइब करें।